दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एवेंजर्स एंड गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में कि एवेंजर्स एंड गेम में तो पोस्ट क्रेडिट सीन था नहीं, लेकिन दो ऐसी चीज़ दिखाई गई थी जो मार्वल फैंस ने नोटिस की। तो क्या है वो चीज़, चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये स्पॉयलर से भरा हुआ है। तो ये वीडियो मेरे उन्हीं दोस्तों के लिए जो ऑलरेडी एवेंजर्स एंड गेम देख चुके हैं और वो पोस्ट क्रेडिट सीन को समझना चाहते हैं। तो दोस्तों पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को कोई वीडियो नहीं बल्कि एक इमेज और एक ऑडियो नज़र आया। पहली अगर इमेज की बात करें तो उसमें हम लोग को अलग अलग एवेंजर्स के ऑटोग्राफ नज़र आए जो कि थे ओरिजिनल 6 एवेंजर्स के, जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हॉकआई, ब्लैक विडो, हल्क और थॉर। अब इस ऑटोग्राफ से तो ये तो समझ में आ जाता है कि ये लोग का फाइनल गुड बाय है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से। लेकिन अभी भी दो कैरेक्टर्स की अभी भी कन्फ्यूजन बाकी है। एक तो ब्लैक विडो जिसकी सोलो फिल्म आने वाली है, शायद 2020 में हम लोग को उसकी सोलो फिल्म नज़र आए, लेकिन ये प्रीक्वल होगा कि सीक्वल होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ब्लैक विडो ऑलरेडी जब एवेंजर्स एंड गेम में मर चुकी हैं तो उनका सीक्वल बनना पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो ब्लैक विडो की मूवी आएगी वो उसका प्रीक्वल ही होगा। और रही बात हॉक आई की, तो हॉक आई हमें एवेंजर्स एंड गेम में रिटायर होते हुए नज़र आया है, लेकिन हो सकता है जो हॉक आई की जो टीवी सीरीज आ रही है उसमें हॉक आई किसी को ट्रेनिंग देता हुआ नज़र आए। नेक्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो वो सिर्फ एक ऑडियो है जो कि आ रही है किसी हथौड़े की पीटने की, और ये ऑडियो हम लोग को उस ऑडियो से मैच करवाती जो कि था आयरन मैन 1 का सीन जिसमें टोनी स्टार्क केव में अपना पहला आर्मर बना रहा था। दोस्तों इस ऑडियो का सेंस ये बनता है कि हो सकता है हमें एमसीयू में एक नया आयरन मैन दिखाई दे, या तो ये एक ट्रिब्यूट हो टोनी स्टार्क का, क्योंकि टोनी स्टार्क ने एमसीयू की शुरुआत की थी। 2008 में आयरन मैन 1 आई और 2019 में एंड गेम आई, और दोनों की स्टार्टिंग और दोनों की एंडिंग टोनी स्टार्क ने की थी। तो हो सकता है जाते जाते एक टोनी स्टार्क को ट्रिब्यूट दिया जा रहा हो कि टोनी स्टार्क ने अपनी शुरुआत कैसे की थी, जो कि था एक केव में शुरुआत की थी। अब बात करें इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी की, तो हो सकता है किसी दूसरे यूनिवर्स में टोनी स्टार्क अभी भी जिंदा हो, या तो दूसरे पॉसिबिलिटी ये आ रही है जब टोनी स्टार्क ने स्नैप किया था तो अपनी कॉन्शियसनेस किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रांसफर कर दिया, यानी टोनी स्टार्क अभी भी एआई फॉर्म में जिंदा रह सकता है, ऐसा कॉमिक बुक में हुआ है। या तो कोई और टोनी स्टार्क की जगह वहां पे हथौड़ा पीट रहा है, यानी वो अपना कोई आयरन मैन सूट बना रहा है। कॉमिक बुक में जब टोनी स्टार्क चला गया था तो उसकी जगह आयरन हार्ट ने लिया था, लेकिन जो आयरन हार्ट का कैरेक्टर था ये फीमेल वर्जन कैरेक्टर था, लेकिन हो सकता है हमें एमसीयू में मेल वर्जन दिखाई दे आयरन हार्ट का। और अभी अगर हम बात करें आयरन मैन की डॉटर की, तो आयरन मैन की डॉटर भी बहुत छोटी है, तो अगर आयरन मैन की डॉटर बड़ी होती तो एमसीयू में और आगे के साल दिखाया जाएगा, यानी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 4, जिसमें स्पाइडरमैन भी हमें थोड़ा ओल्ड नज़र आएगा। लेकिन अगर अभी तुरंत किसी नए आयरन मैन को इंट्रोड्यूस करना है तो वो आयरन मैन 3 का किट एकदम परफेक्ट चॉइस बैठता है, जो कि था भी टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन एवेंजर्स एंड गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। आपके क्या व्यू पॉइंट है एवेंजर्स एंड गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।